हेलो डियर IASC एस्पिरेंट्स के VPY एस्पिरेंट्स, ओके सो कैसे हो आप सभी लोग। एंड यार टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल अबाउट द डिटेल्स ऑफ KVPY एग्जामिनेशन, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एंड अगर कोई बच्चा जिसने 10th पास की है और KVPY की जानकारी नहीं है सो उसके लिए जो है एक मैं डिटेल के अंदर वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर इसमें भी हम डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या KVPY होता है, क्या सारा सीन है। सो यार KVPY के फुल फॉर्म होता है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ओके। एंड इसको जो है सन 1999 के अंदर भारत सरकार द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था। एंड इसको जो हैंडल करता है वो IISc बेंगलोर करता है, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ओके। एंड ये जो है 1999 में ओपन हुआ था, ओके। अब जो है बेसिकली इसके बेनिफिट्स क्या है भैया, हम KVPY क्यों करें, राइट। सर इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताता हूँ आप कब कर सकते हो KVPY। सो एक तो आपने जब 10th पास कर लिया हो यानी कि आप 11th में जब इंटर हो चुके हो देन जो उस टाइम पे आपके पास एक मौका होता है KVPY का, उसको हम बोलते हैं SA ऑप्शन या फिर SA ब्रांच, ओके। सो उसके अंदर बेसिकली आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, उसमें आपको पढ़ने होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, ओके। आपको जो है चारों सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ओके। देन अगर आप KVPY में सेलेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम द SA ब्रांच, ओके, क्योंकि हर सेशन के अंदर इसका जो है रिजल्ट निकलता है। एंड जो अगर आप 11th आपने पास कर लिया ऑलरेडी, अगर आप 12th क्लास में हो चुके हैं देन आपको कौन सा ब्रांच देना होता है, देन आपको देना होता है गाइस SX ब्रांच, ओके। SX या SB, राइट, SX ब्रांच। SX आप ब्रांच देते हो 12th क्लास के अंदर। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि भैया हमने 12th पास कर लिया है अब हम क्या करें। सर जिन स्टूडेंट ने 12th पास कर लिया है यानी कि ड्रॉपर इज नॉट अलाउड, जो भी ड्रॉपर स्टूडेंट है वो KVPY नहीं दे सकते, ठीक है, इसका ध्यान रखिए आप। ड्रॉपर स्टूडेंट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर KVPY एग्जामिनेशन। एंड थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, अब क्या अब दो ही क्लास वाले दे सकते हैं, नहीं यार ऐसा नहीं है, ठीक है। अब थर्ड आपके पास हो सकता है अगर आप कोई जनरल BSc बी मैथ बी स्टैटिक्स ऐसे कोर्सेज कर रहे हैं इन जनरल साइंस एंड रिसर्च डिपार्टमेंट, देन जो है आप फर्स्ट ईयर के अंदर इन बी मैथ बी मैथमेटिक्स बी स्टैटिक्स बी साइंस एंड बेसिक साइंस बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एंड मैनी मैनी बहुत सारे कोर्सेज दिए गए हैं, आप जो है उसमें फर्स्ट ईयर के अंदर कॉलेज के अंदर आप दे सकते हैं। लेकिन आपका जो पेपर है वो 12th का जो आएगा वही सेम आएगा, ओके, मतलब जो भी है SX और SB वाला, ओके। अब इसके जो है बेनिफिट्स क्या होंगे भैया, सो यार जो भी है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है 5 साल की स्कॉलरशिप मिलेगी जो भी है इसके अंदर अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, जैसे SA ब्रांच वाला या फिर SX वाला या फिर SB ब्रांच वाला, आप कोई भी स्टूडेंट अगर जो है इसमें सेलेक्ट हो जाता है। अब इसमें सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, जैसे अगर आप SA ब्रांच में सेलेक्ट हो गए KVPY के लिए सो आपको जो है कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे, जैसे आप जनरल साइंस कर सकते हो BSc बी मैथमेटिक्स बी स्टैटिक्स जो कि जनरली IISc बेंगलोर कराता है या फिर सारे के सारे ISER कराते हैं, आप वहाँ से अगर ये कोर्सेज करते हैं देन आपको स्कॉलरशिप मिलेगा KVPY की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसके अंदर क्या होता है, जो भी पहला से लेके तीसरा साल होता है 3 साल तक आपको 5,000 रुपये पर मंथ मिलेगा एंड चौथा से लेके 5वां साल तक आपको 7,000 रुपये पर मंथ मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। एंड आपके पास दूसरा सबसे अच्छा मौका है KVPY के बेसिस पे आप IISc में एडमिशन ले सकते हो, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है IISc बेंगलोर। दूसरा आप ISER के अंदर एडमिशन ले सकते हो जो कि इंडिया के बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि गवर्नमेंट है, ओके। देन आपके पास थर्ड ऑप्शन होता है सुपर न्यूमेरी जो सीट्स होती है जितने भी AIICT अप्रूव्ड UGC अप्रूव्ड जो कॉलेजेस हैं उसके अंदर 2 सीट जो है अवेलेबल है तो आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। देन आपके पास इसका फोर्थ बेनिफिट क्या होता है, यार फोर्थ बेनिफिट होता है इसके अंदर आपको जो है समर कैंप प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। समर कैंप तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। एंड आपको जो है ID कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, जितने भी सेंट्रल लेब्स होते हैं लाइब्रेरीज होती है वहाँ पे आप जा सकते हैं, जैसे किसी भी बड़ी IIT की हो गई या फिर बड़े रिसर्च लेब्स हो गए जैसे ISRO है DRDO है HCL है NEL है, तो
तो आप कोई भी प्रोजेक्ट जो है वहाँ की फैकल्टी के साथ कर सकते हैं, आप उनसे कुछ सीख सकते हैं, आप इवेंट अटेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको जो है लाइब्रेरी का भी आईडी कार्ड दिया जाता है जो भी KUPY एस्पिरेंट्स होते हैं। ओके, हर KUPY की स्कॉलरशिप जनरली मिलती कब है, अगर आप KUPY में सेलेक्ट हो गए और अगर आपने जो इसमें दिया गया है वही कोर्सेज करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप IISc से या फिर ICER से करो तो ही होगा, आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट KUPY में सेलेक्ट होना कोई बहुत आसान व्यसन भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है। एंड अगर अपन बात करें KUPY में हर ईयर जो अप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं वो आते हैं तकरीबन 45,000 से लेके 50,000 तक। धीरे धीरे बच्चों को इसके बारे में पता चल रहा है तो अप्लीकेशन फॉर्म बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब ज़्यादा अप्लीकेशन आने लगे हैं। ओके, अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देन अब अपन इसके बारे में बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, वो तो हमने जस्ट उसके बारे में डिस्कस कर लिया। ओके, और यार अब अगर अपन इसके एग्ज़ाम फॉर्मेट वगैरह की बात करें, सो जनरली जो इतने साल होता था सन 2020 तक, जब तक कोविड आया था तब तक क्या होता था, जब कोविड नहीं आया था तब तक, यानी कि 2019 तक, तब तक क्या होता था, एक तो हमारा CBT टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसे JEE का टेस्ट होता है वैसे हर सिटी के अंदर ऑलमोस्ट जगह इसके टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। 75% टेस्ट होता था, 25% जो है आपको इंटरव्यू देना पड़ता था। ड्यू टू कोविड के कारण जो है ओनली फॉर टेस्ट ही चल रहा है पिछले 3 साल से, यानी कि 2020 से 21 से और 22 से ओनली फॉर टेस्ट के बेसिस पे लिया जा रहा है। हो सकता है इन फ्यूचर 2023 जो 22 वाला सेशन है इसमें जो भी ब्रोशर वगैरह रिलीज किया जाए, हो सकता है इंटरव्यू करे ना करे। अभी यानी कि अभी तक जो है 2021 तक जो एग्ज़ाम हुए हैं पिछले 2 साल कोविड के कारण जो है इसको इंटरव्यू को हटा दिया गया है। ओके, सो जो है 75% जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है यानी कि CBT टेस्ट के मार्क्स होते हैं, और जो 25% मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के। ओके, देन जो है हमारा अगर अपन मार्क्स की बात करें तो यार जो SA ब्रांच वाले होते हैं उनकी क्या क्या होती है, जैसे फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथमेटिक्स होता है और बायोलॉजी, ठीक है। एंड जो है अगर अपन इसके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की बात करें तो जो सेक्शन 1 के अंदर 15 MCQs आते हैं एंड जो भी है 1 मार्क्स क्वेश्चन एंड 2 1 4 आपको माइनस करेगा, ठीक है, यानी कि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है देन आपके जो है 0.25 मार्क्स कटेंगे अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो। जो सेकंड सेक्शन होता है उसके अंदर 5 MCQs होते हैं एंड +2 एंड -0.5, और ये पैटर्न होता है। तो टोटल कितने हो गए, 1 के 20 हो गए, तो कितने हमारे पास टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी, तो 20 20 20 20 80 क्वेश्चन हो गए क्या, राइट। सो और भी अगर मैं आपको बताऊं तो, और यार ये जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर होता है, सो जो भी आपको कंफर्टेबल हो, स्पेशली ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट क्या करते हैं वो जो है इंग्लिश मीडियम से ही होते हैं, आजकल सब जगह इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिंदी मीडियम में भी होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में ऐसे जगह हैं जहाँ पर हिंदी मीडियम चलता है। ओके, सो यार टोटल कितने मार्क्स का पेपर हो गया, 100 मार्क्स का हो गया, क्योंकि जो पहला जो सेक्शन है वो 60 मार्क्स का तो वो हो गया, ठीक है, 15 × 4 अगर हम करें तो 60 मार्क्स का हो गया, और जो दूसरा सेक्शन है वो 2 2 नंबर वाला था तो 40 मार्क्स का वो हो गया, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 100 नंबर। ओके, 100 में से कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो आप जो है 70 65 70 के करीब ले आते हैं तो आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं जनरल वाले बच्चे। SC ST वाले 35 तक हो जाता है एंड जो जनरल EWS OBC वाले हैं उनका भी एटलीस्ट जो है जनरल वाले के आसपास ही होता है, थोड़ा सा 4 5 नंबर कम होता है। ओके, एंड 100 नंबर का पेपर होता है। अब यार हम आगे बढ़ते हैं, जो 12th वाले बच्चे हैं या फिर फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनके साथ क्या होता है, उनके पास 3 ही ऑप्शन होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, 4 हो गए ना, तो आपके पास मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में आप कोई सा भी ले सकते हैं। जो 11th वाले होते हैं उनको 4ों की पढ़ाई करनी पड़ती है, तो 12th वाले और यानी कि SX और SB दोनों ब्रांच वाले बच्चे हैं वो दो कोई भी चूज कर सकते हैं, यानी कि PCM ले सकते हैं और PCM B ले सकते हैं। ओके, और टोटली जो है इनका सेक्शन 1 है वो +1 होगा एंड सेक्शन 2 +2 होगा, ठीक है। सो यार जो है इसके अंदर जो है क्या हो गया सिस्टम सारा,
जैसे सेक्शन वन हो गया ना, जो SXSB वाले हैं, सेक्शन वन के अंदर तो आपको जो है तीन करने होते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कर लो, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कर लो, ठीक है। ये फर्स्ट सेक्शन हो गया। सेकंड जो सेक्शन है जिसके अंदर 10 MCQs होते हैं, यानी कि वैसे तो तीन के अंदर 15 होनी चाहिए, लेकिन आपके पास सेकंड जो है उसमें आप सिर्फ दो कर सकते हो, यानी कि आपको फर्स्ट सेक्शन में तीन करने हैं, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, और जो दूसरा सेक्शन है उसके अंदर आपको सिर्फ दो सेक्शन करने, यानी कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री कर सकते हो, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कर सकते हो, मैथमेटिक्स बायोलॉजी कर सकते हो, या फिर फिजिक्स बायोलॉजी कर सकते हो, या फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी कर सकते हो, जिसमें भी आपको सबसे अच्छा आता हो आप दो कर सकते हैं सेक्शन टू में। सेक्शन वन में आपको तीन करना है, ठीक है। ये हो गया SXSB ब्रांच वालों के लिए। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटर्जी की। भैया स्ट्रेटर्जी क्या होनी चाहिए, कैसे हम सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं SA ब्रांच वाले बच्चों की, ठीक है। जो यार एग्जामिनेशन की पहले अपन बात कर लेते हैं, तो जनरली जो एग्ज़ाम है वो लास्ट वीक ऑफ नवंबर या फिर दिसंबर के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। एंड सिचुएशन अगर नॉर्मल रही तो जनरली जो है नवंबर के अंदर एग्जामिनेशन हो जाते हैं। अब जो SA ब्रांच वाले बच्चे हैं उनके बेसिकली क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यार उनके जो है 11th और 12th का सिलेबस डाल दिया जाता है। अब जो है नवंबर तक जनरली 11th वाले बच्चे 50% कर पाते हैं, JEE वगैरह वाले जो JEE की प्रिपरेशन करते हैं ना वो एटलीस्ट कवर कर लेते हैं, तो इसके अंदर आपको जो है 50% सिलेबस तो हो जाता है। जो 11th वाले बच्चे हैं उन जो ऑप्टिक्स वगैरह होता है वो तो जनरली 12th के अंदर होता है ना, ऑप्टिक्स है, थर्मोडाइनमिक्स है, एंड मैनी मैनी जो भी आपका पार्ट हो गया। सो यार इसके लिए ना हमारी स्पेशल KVPY का कोचिंग प्रोग्राम चलता है, जिसका फॉर्म जो है मैं गूगल फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर जो है आपको प्रिपरेशन कराया जाता है KVPY का, तो जस्ट अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप जरूर इनरोल कीजिए KVPY एंट्रेंस टेस्ट के जो भी है, ठीक है, जिसके अंदर आपको जो है जीरो से प्रिपेयर कराया जाता है और लास्ट तक खूब आपकी तैयारी करवा दी जाती है, ओके। अब अपन आगे बढ़ते हैं, जस्ट SX और SB ब्रांच वाले जो बच्चे होते हैं वो क्या करें सर? वो जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वो ट्राई कर सकते हैं, जस्ट लाइक SX और SB ब्रांच वाले बच्चे हैं उनका जो एग्जामिनेशन होता है वो जनरली दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। तो जो है बुक आप जस्ट पहले तो आप फुल NCERT पढ़ लो, ठीक है। उनके लिए भी कोचिंग प्रोग्राम चालू है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर जो हम कोचिंग दे रहे हैं। एंड ये जो LN वगैरह है, बायजूज है, अनअकेडमी है, ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, और आपको वो लोग पढ़ा रहे होंगे जो कि ऑलरेडी इसके स्कॉलर रह चुके हैं, उस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा काम कर चुके हैं, तो यार सोच सकते हो, ठीक है। तो नीचे गूगल फॉर्म दिया है उसको जस्ट फिल कर सकते हो, ओके। पेमेंट वगैरह भी करना होता है, पर कंसल्ट भी कर सकते हो उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोचिंग वगैरह चाहिए तो। बुक्स NCERT सिलेबस वगैरह की अगर अपन बात करें इसके रिगार्डिंग, तो सर जो जनरली जो है जो भी बच्चे 11th 12th पढ़ के आए हैं, जनरली जो नवंबर तक जो 12th वाले बच्चे हैं वो सारा का सारा सिलेबस कर देते हैं कंप्लीट। सो यार वो क्या कर सकते हैं, वो पहले NCERT शोल करें, फुल शोल कर दें, ओके। देन इसके अंदर आपके पास जो NCERT एग्जाम्पल्स वगैरह होते हैं तो लॉन्ग होते हैं, ठीक है, शॉर्ट होते हैं। देन आपको क्या करना है, स्पेशली ऑलमोस्ट बच्चे JEE की प्रिपरेशन करते हैं तो जैसे